बाजी, मैं सबा बोल रही हूँ। हाँ सबा, तुम ठीक तो हो ना? बाजी मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ? हर पल सिर्फ एक ही ख्याल मुझे सता रहा है कि आपने ना तो कभी किसी का बुरा किया और ना ही किसी का बुरा चाहती हैं। तो फिर आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने गलती की तो मुझे सजा तो मिलनी चाहिए ना। आपने क्या गलती की? हालात कैसे हैं तुम जानती हो सबा, मेरा घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बस यही बात अकरम से बर्दाश्त नहीं हुई और फिर वो मुझे प्यार इतना करते हैं कि उनको गुस्सा होने का पूरा हक है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में आप जिस तरह उदास बैठी थी उससे तो यही साबित होता है कि बात कुछ और ही है। जीजू तो वहां पर बाद में पहुंचे, तो फिर वो फोन किसका था? वो उसी बदमाश का फोन था सबा। क्या उसने आपको वहां पर भी फोन किया? हाँ, पता नहीं उसे किस तरह पता चल गया कि मैं वहां हूँ और उसने मुझे फोन कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वो ज्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो अकरम को जान से मार डालेगा और साथ में मुझे भी। नहीं नहीं बाजी, ऐसा मत कहिए। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, हकीकत जब सामने आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। हाँ बाजी, खुदा करे कि हकीकत जल्द से जल्द सामने आ जाए। समीर बेटे, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? मैंने देखा है जब से तुम हॉस्पिटल से लौटे हो तुम्हारी हालत गैर होती जा रही है। मैंने तो अभी अभी हॉस्पिटल में फोन किया था और उन्होंने बताया कि नमीरा की तबीयत ठीक है। तो फिर क्या बात है बेटे, ये परेशानी कैसी? नमीरा की तबीयत तो अब ठीक हो चली है अम्मी, मगर उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटे, बुरा तो हुआ है, मगर कोई क्या कर सकता है। मुझे सजा दी जा सकती है। सजा? और तुम्हें? तुम्हें किस लिए सजा? नमीरा की गोद भरने से पहले ही सूनी हो गई, उसका जिम्मेदार मैं हूं, गुनेगार हूं मैं उसका, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए अम्मी। ऐसा ना कहो बेटे, तुमने जो किया अगर उसका अंजाम तुम जानते तो क्या तुम वैसा करते? नहीं ना, तुमसे अनजाने में गलती हो गई है बेटे, उसे भूलने की कोशिश करो और कुछ दिनों बाद नमीरा भी इस सदमे को भूल जाएगी और फिर सारे हालात मामूल पर आ जाएंगे। नहीं अम्मी, मुझे तो लगता है हालात और भिड़ेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? नमीरा मुझसे नफरत करने लगी है अम्मी, और इस हद तक नफरत करती है कि वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। किसने कहा ये तुमसे? खुद नमीरा ने। उसकी दुत्कार से मेरे दिल को बहुत रंज पहुंचाया अम्मी। यूं लगता है अम्मी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। नहीं नहीं बेटे, क्या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे अब्बू नहीं है तुम्हारे साथ? मैं नमीरा को समझाऊंगी। किस किस को समझाएंगी आप अम्मी? आपको पता है अकरम भी मेरी दोस्ती पर शक करने लगा है। वो समझता है उसके घर में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। जानती हूं बेटे, तुम्हारे अब्बू ने सब बताया मुझे और मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। मेरी एक बात मानोगे?
तुम खुद जाओ अकरम के पास और कोशिश करो तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, वरना ये फासले बढ़ते ही जाएंगे बेटे। अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं जाती हूं अकरम के पास। जो चाहता है कि तुम दोनों के बीच रंजिश की दीवार खड़ी हो जाए, मैं उसके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं अम्मी, आप फिलहाल अकरम से बात नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, मैं उससे मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे बीच जो फासले बड़े हैं वो मिट जाए। और क्या कहा हीना ने तुमसे? यही कि अब बाजी को भी धमकियां मिलने लगी। जब हम नमीरा से मिलने गए थे हॉस्पिटल में तो उसने वहां भी फोन किया था। लेकिन उस कमबख्त को कैसे पता कि हीना वहां मौजूद है? यही तो पता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उसे पता चल गया और उसने अपनी शैतानी हरकत की। बिना किसी सबूत के आपने समीर को कैसे कसूरवार मान लिया? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। आप बताइए और कौन हो सकता है? समीर ही तो है। लेकिन ये कमबख्त है बहुत चालाक, ये आसानी से सबूत हाथ नहीं लगने देगा। बस आप दुआ कीजिए कि पुलिस कामयाब हो जाए। मैं इस शैतान के हाथों में हथकड़ियां देखना चाहता हूं, हथकड़ियां। ऐ पाक परवरदिगार, रहम फरमा, मेरे बेटे की खुशियां उसे वापस कर दे। मैं और तुझसे कुछ नहीं मांगती ऐ पाक परवरदिगार। मेरे ममता के झोली में मेरे बेटे की खुशियां डाल दे। तेरी रहमत और तेरे करम की कोई इंतहा नहीं है। अपने हबीब के सदके मुझे मायूस न कर, मेरी दुआ कबूल फरमाए पाक परवरदिगार। आमीन। देख रहा हूं बेगम, आज आपने पहली बार अपने बेटे की खुशियों के लिए उस पाक परवरदिगार के सामने हाथ फैलाए। जब तक बर्दाश्त कर सकती थी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब समीर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो पूरी तरह टूट चुका है। अब तो बस एक अल्लाह का ही सहारा है। उसी का सहारा तो हम बंदों के लिए हर कदम पर है बेगम। हम अगर सांस ले रहे हैं तो ये भी उसी की रहमत है। बेशक उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं है, और आज इसलिए मैंने उसके बारगाह में गिड़गिड़ाया है। समीर अब अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा है। वो समझता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कहीं वो अपना ज़हनी तवाज़ुन न खो बैठे। अरे मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है कि उस बदमाश को कैसे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में मौजूद हो, जो उसने तुम्हें वहां फोन कर दिया। कौन जानता था कि तुम हॉस्पिटल में मौजूद हो? जब मैं वहां पहुंची तो हीना बोलो तो क्या? तो मैंने वहां समीर को देखा। समीर को? हाँ। और जब तुम्हें वो फोन है तो क्या समीर वहां मौजूद था? नहीं।
तब समीर को मालूम था कि तुम हॉस्पिटल में मौजूद हो और उसके जाने के बाद तुम्हें फोन आया। हीना, मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे समीर का ही हाथ है। अरे समीर, बेटे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अम्मी, एक जरूरी मीटिंग है, उसी सिलसिले में जा रहा हूं।